नमस्कार जी। कहाँ से? जय राजस्थान से भैया। राजस्थान से? हाँ। कैसा है वहाँ से आप? आप खूब अच्छे हैं। हाँ। मैं 7 तारीख को आया भैया यहाँ। 7 तारीख? हाँ। और मैं 7 तारीख तक रुकूंगा और अगले महीना की। हाँ। और मैं भगवान की इच्छा है मेरी साल में 2 महीना यहाँ यात्रा होती है मेरी। हाँ। और खूब अच्छा लग रहा, मेरे को इतनी बड़ी खुशी है। 20-25 साल से आता हूँ मैं अयोध्या। हाँ, अयोध्या को। हाँ। मेरे को एक साल एक बार आता है। 4 बेर एक साल में बाबा। हाँ। 4 बेर आता हूँ। आप तो अयोध्या को पूरा देखा ना? पूरी गली में घूमता। मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या कैसा? हाँ। है? निर्माण के बाद अभी कैसा है? अभी आया था मैं अधिक मास में, और अभी इतनी खुशी लग रही भैया मेरे को, खूब आनंद में, मेरी हड्डी में समा नहीं सक रहा, मैं फूल के खूब पाव रहा हूँ। मेरे को इतनी खुशी है भगवान आने में, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। भगवान बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं अभी 500 साल के बाद। मेरे रामलला के बारे में कई लोग अफवाह करते हैं। मेरे को तो दुख होता भैया, दुख होता। ये दुखी का बात है, 500 साल के बाद अभी आया। उसी के आंसू रहे। हाँ हाँ। मेरे ठाकुर जी लाज रखने वाला 82-83 साल की उम्र है मेरी। मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे। जो अभी तो जो जनरेशन है ना, यूथ, हमारे जैसा लोग रहता है ना, उसके हमारा सनातन धर्म के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं अभी? मैं खुशी में बोलना, हिंदू धर्म में बहुत खुशी है मेरे को। हाँ। हिंदू धर्म के बारे में इतनी खुशी है मेरे को, जो अयोध्या में गली गली में शोर हो रहा, गली गली में आनंद हो रहा है, और पूरी अयोध्या में राम राज है। राम राज के अलावा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं बचा दुनिया के अंदर। राम जी है, संसार का मालिक है, राम जी पिता है, संसार को खाने को दे रहा है। सारी बातें राम जी के बारे में कई भैया लोग अफवाह कर रहे हैं, उनको लिए नरक में जगह नहीं मिलेगी सालों को, बेहतर नहीं मैं ना, उनको बहुत मुश्किल हो जाएगी भैया, जाओगे ना, जाना तो पड़ेगा। ये नेता नेती है ना, ये नेता नेती अफवाह कर रहे हैं, यहाँ दर्शन पे नहीं आ रहे हैं, उनके लिए फिर वे यम के दूध घिसेंगे, डंडा मारेंगे बेहतर नहीं मैं, ऐसा मारेंगे, सारी नेतागिरी निकाल देंगे उनकी। ऐसी दुख है बेटा मेरे को, दुख है, उनकी नेतागिरी का पता चलेगा कब चलेगा, फिर अंत समय में जाएंगे ना, जब यम के दूध थोड़ी रिश्वत लेंगे, साले की हालत खराब कर देंगे, हाँ वो करेंगे, पीप खून की नदी बह रही है, वो 400 कोस की लंबी 400 की चौड़ी बेहतर नहीं है, उसमें हर प्राणी को जाना पड़ेगा, राजा हो महाराजा हो, कोई तो भी वहाँ पर एक ही बनता है, रास्ता एक बेटा। हाँ। इसलिए बोल रहा मेरे भैया और ठाकुर जी के बारे में, खुश मत बोलो, खुश मत बोलो। जय श्री राम। धन्यवाद आपसे मिलके, बहुत बहुत संतोष है जी। हाँ बेटा।